जहाज ठीक ठाक चल रही थी, अब बकलोलवा लेके चल गया कहाँ? बहुत भयानक उसमें लहरें आती हैं। क्या आज के समय में उसमें जहाज जाए तो सुरक्षित निकल जाएगी? समुंदर कितना खतरनाक होता है ये वही बता सकता है जो 30 से 35 के बीच में हाँ। और नीचे भी 30 से 35 के क्या होता है? हाई प्रेशर। क्या होगा? हाई प्रेशर। किसी को कोई दिक्कत? कौन सा प्रेशर? हाई प्रेशर। यानी अगर इन दोनों के बीच में अगर आप ट्रेवल कीजिएगा तो क्या फील कीजिएगा? हाई, ऊपर से प्रेशर ज्यादा। हाई प्रेशर का प्रभाव जमीन पे ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन समुद्र में देखने को मिलेगा, क्योंकि समुद्री लहरें ऊपर नीचे होने लगी। समझ में आ गया कि नहीं? अगर प्रेशर ज्यादा रहेगा तो क्या जमीन में पचक जाएगा? हाँ। और इसे जमीन पर मारिए एक हाथ तो क्या होगा? आपको चोट लगेगा। अब पानी में मारिए छपाक से तो लहर उत्पन्न हो जाएगा। तो ज्यादा प्रेशर जो है वो जमीन पे फील होता है या समुद्र में? तो बताइए 30 से 35 डिग्री के बीच में समुद्री लहरें शांत होंगी कि उफान पे होंगी? एकदम बहुत भयानक उसमें लहरें आती हैं, गर्ज एकदम भयानक रहता है यहाँ पे 30 से 35 के बीच में। तो बहुत पहले की बात है, मतलब मध्यकाल में 12वीं सदी के आसपास में पहले घोड़ों का व्यापार होता था युद्ध में या परिवहन में। वही समझिए बुलेट ट्रेन होते थे उस समय। बढ़िया घोड़ा क्या होता था? बुलेट ट्रेन होता था। तो घोड़ा का व्यापार होता था, तो पानी वाली जहाज पे लाद के एक आदमी घोड़ा लेके जा रहा था। बहुत ज्यादा घोड़ा था, कुछ घोड़ी भी थी सब। आई सबका साथ सबका विकास। चलो ध्यान दो इधर। तो क्या लाद के ले जा रहा था? घोड़ा। पानी वाली जहाज में जब ये घोड़ा लाद के ले जा रहा था तो ये जहाज इधर देखिएगा ध्यान से, जहाज ठीक ठाक चल रही थी, जहाज इसमें ले गया, अब बकलोलवा लेके चल गया कहाँ? 30 से 35 में। अब वहां लगा समुंदर ऊपर नीचे करने से पूरा भयानक। अब पानी वाली जहाज में बैठिएगा, ऊपर नीचे होगा तो डर लगने लगेगा। नदी में डर नहीं लगता, दिखता है किनारा हुए है, अरे कुछ नहीं होगा तो अरे मार और के पहुंच जाएगा आदमी वहां, ना तो क्योंकि बुला लेंगे चाचा हो डूब तो हम। समुंदरवा में किसको बुलाएंगे? समुंदर कितना खतरनाक होता है ये वही बता सकता है जो समुंदर देखा है। अदरवाइज में आइडिया नहीं लगता है समुंदर कैसा होगा, कुछ दिखता ही नहीं उस पार, पूरा का पूरा उस पार रहता है। और वहां अगर आपका घुटना भर पानी है ना, घुटना भर पानी तो उलाट देगा आपको। नदी के पानी में प्रेशर नहीं होता है, समुंदर का पानी बहुत प्रेशर वाला होता है, ढकेल देगा वहां पे। और इतना खचरा होता है समुंदर, ढकेलेगा आपको, वो बटोर के लेके चल जाता है। आपको मजा आएगा, अरे गिरा दिया, लौटने टाइम कहेगा आइए चलिए साथ समुंदर पार में तेरे चल जाएंगे वहां, कोई ठीक नहीं होता है वहां पर। तैरने ओरने वाले लोग को देखिए, जो तैरता है उसके तैरने वाले लोग का भी हालत खराब हो जाएगा समुंदर में। नदी नहीं है, ऐसे ऐसे मारेंगे, उठा के फेंक देगा कहीं और, जाके गिरेंगे अरब सागर में। तो यहाँ पे घुस गया और उसका जहाज लगा डोलने, उसको क्या होगा? जहाज डोलने। अब वो डर गया, कहा गरीब बाप रे अब क्या करे। तो जितना घोड़ा के खाना खाने के लिए जो चारा था वो चारा समुद्र में फेंक दिया। उसको लगा उसके जहाज का वजन ज्यादा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है, फिर भी वो जहाज शांत हो ही नहीं रहा था। इसी में बेचारा भाग रहा था, भाग रहा, शांति नहीं हुआ यहाँ पे। अब क्या करें? तो जितना उसमें बीमार घोड़ा थे, सब कमजोर घोड़ा थे, वो घोड़ा को पानी में फेंक दिया। उसको लगा लोड ज्यादा है, बेचारा घोड़ा डूब गया उस। अब क्या करें? ऐसे फिर क्या देखते 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 धीरे धीरे करके सब घोड़ा फेंक दिया। और सब घोड़ा फेंक फाक के ऐसे आया, तब तक जहाज शांत हो गया। उस गधा को लगा कि उसका जहाज बचा है इसलिए कि सारा घोड़ा फेंक दिया, जबकि रियलिटी है कि वो इस हाई प्रेशर बेल्ट से जाने अनजाने में बाहर निकल गया था। जाने अनजाने में क्या हो गया था? बाहर निकल। नहीं तो इसमें घोड़ा कौन सी कुछ फेंक देता तब भी उसका जहाजिया नहीं रुकता है, प्रेशर इतना। पहले की जहाज लकड़ी की होती थी, आज ना टाइटेनिक बराबर था, आजकल तो उकड़ा से बड़ बड़ जहाज इंडिया में पड़ा है। टाइटेनिक को ऐसे ही फेमस कर दिया है सब बिना मतलब का, उसमें पहले ही डूब गया गलती की वजह से, वो अलग बात। तो यहां से निकल गया और उसका कहा कि बाप रे बाप, अगर हम आज घोड़ा का देखे रहते तो आज हमारा क्या होता? घोड़ा फेंके हैं तभी बचे हैं, हल्ला कर दिया कि बाप रे बाप। तो नाम हो गया इसका घोड़ा अक्ष, अश्व अक्ष। क्या नाम हो गया? अश्व अक्ष, क्योंकि यहाँ घोड़ा वाला घटना हुई थी। समझ में आ गया कि नहीं? आप लोग क्या सोच रही है, जो इसमें घोड़ी थी सब उसको फेंका कि नहीं हुआ? सब फेंक दिया हो। अश्व अक्ष समझ में आ गया? सारा घोड़ा मर गया कि नहीं मर गया? और उसको खुश था, घोड़ियों मर गई देखे, अब खुश था कि आज हम दिमाग लगाएं तो बच गए। बकलोला गया क्या था उसमें?
क्या आज के समय में उसमें जहाज जाए तो सुरक्षित निकल जाएगी कि नहीं? निकल जाएगी। कौन आज के समय में लकड़ी का जहाज लेके घुसेगा?